वजीर आला जी, जी अपना, हमें हर कीमत पर यह जंग जीतनी है जी। जब से मुकर्रब खान ने ये बीड़ा उठाया है, हमारा खून और खुलने लग गया है। वाह इंशाल्लाह। ये मुकर्रब खान है तो सूरमा, इसकी सोच भी कुछ अलग ही है जी। वैसे वजीर आला एक बात बताइए, इस वक्त मुकर्रब खान कौन से इलाके में होगा? जहां पना आपने उसे पन्हाला किले के आसपास रहने को कहा है, मगर हम उसे जानते हैं कि वो एक जगह पर रुकने वाला नहीं है, उसका घोड़ा हर वक्त भागता रहेगा जी। जहां पना हम सोच रहे हैं कि रायगढ़ के चारों तरफ और संभा के रिश्तेदार जिस गांव में रहते हैं उसके इर्द गिर्द जासूसों का एक जाल बिछाया जाए। कसूर माफ जहां पना, लेकिन इससे क्या होगा? वजीर आला आपने कभी मकड़ी का जाल देखा है? कितना महीन और कितना नाजुक होता है। मकड़ी भी कमाल चीज होती है, पहले अपने शिकार को उस जाल में फंसाती है, फिर उसके बाद उसे मारती है। बिल्कुल उसी तरह हमें संभा के इर्द गिर्द एक जासूसों का जाल बुनना है, और सिर्फ संभा के इर्द गिर्द नहीं, वो सारे लोगों के इर्द गिर्द जिनके जज्बात संभा से जुड़े हुए हैं जी। जापना लेकिन कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे मतलब? संभा के सरदार, संभा के रिश्तेदार, संभा के वफादार, तो सारे लोग जो संभा पर विश्वास करते हैं, संभा की बेगम, संभा की बेगम के रिश्तेदार, मंदिर के पुजारी, वो सब, उन सब के इर्द गिर्द उनके गांव के आसपास जासूसों का जाल बुनना है फौरन। इतने सारे लोग, इतने जासूस? हाँ इतना ही नहीं, संभा की वो दूध माँ है ना, उसके गांव में भी एक दो जासूस भिजवा दो, हमें यकीन है कि वहां से भी कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी जी। जहां श्रृंगारपुर, गांगोली, पुरंदर, तड़बे, पाछाड़, प्रतापगढ़, वाई प्रांत जहां उसकी बहन रहती है आका, सारे इलाकों में चारों तरफ जासूसों का जाल फैला दो, हमें पल पल की खबर मिलनी चाहिए। गुस्ताखी माफ जहां बना, लेकिन खर्चा बहुत ही बढ़ जाएगा। क्या कहा आपने वजीर आला, क्या कहा आपने? खर्चा बढ़ेगा? आपको खर्चे की पड़ी, आपको फतेह की पड़ी नहीं है। खर्चा करो, हमारे हाथी बेचो, ऊंट बेचो, हमारी छावनी में जितने साहूकार हैं उनसे कर्जा लो, कुछ भी करो, हमारे साथी गहने बेचो, कुछ भी करो, मगर हमें फतेह चाहिए। चाहिए तो हमारी ये माल। हमें कोई गहना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक गहना चाहिए, स्वराज का गहना, सिवा का गहना, वो है संभा। हर कीमत पर हमें संभा चाहिए। हाँ वजीर आला असद खान, अब ये लड़ाई अंत तक जाएगी, इस पार या उस पार, हमें संभा चाहिए, संभा का स्वराज चाहिए, रायगढ़ चाहिए, रायगढ़ का 32 मन सोने का वो सिंहासन चाहिए, उस सिंहासन पर हम बैठेंगे, राज करेंगे। जापना मगर, अगर मगर कुछ भी नहीं असद खान, हमने कहा ना ये लड़ाई अंत तक जाइए, हमें फतेह चाहिए किसी भी कीमत पर, अब जो भी होगा होकर रहेगा। और एक और बात, जासूस जो भी खबर लाते हैं वो फौरन मुकर्रब खान तक पहुंचाना, उसे बारूद की किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। अली का ही खबर श्रृंगारपुरा हो राणी साहब, खबर येतच आहेत आणि येणाऱ्या खबरा तितक्याशा चांगल्या नाहीत। काय खबर आली? खबर अशी आहे की रखवालदार धर्मा कवटेकर हा मारला गेला। धर्मा कवटेकर? परंतु हा तर शिरक्यांचा माणूस होता, तो कसा मारला गेला?
देसाई आणि शिरक्यांच्या रावतात कटकट झाली. देसाईंनी त्याला ठार करून पेंढ्यात घालून आग दिली. एवढ्या थराला गेले ते लोक आणि त्या रागातून आता शिरक्यांनी देसायांवर आक्रमण केलंय. महाराज, मोठाच गुंता निर्माण झालाय. राणीसाहेब, हा गुंता सहजासहजी निर्माण झालेला नाही, तो मुद्दाम निर्माण केला जातो. मुद्दाम आग लावली जाते. कडोजी रावांच्या मनात स्वराज्याविषयी अढी निर्माण करण्यात येते आणि या सगळ्याच्या मागे आहे कान्होजी आणि त्याच्या मागे खुद्द औरंगजेब. या शिरक्यांच्या आणि देसायांच्या घराण्याच्या मुळापर्यंत जाण्याची गरज आहे. महाराज, कापूरहळूवरून एक खबर आहे. कापूरहळूवरून खबर? राणीसाहेब, धाराव कुठे? कापूरहळा म्हणजे कामाच्या धांदलीत तिला बोलावून घ्यायच विसरलो आम्ही, परंतु तशी ती कधी राहत नाही. काय निरोप आहे? निघाले? आजारी आहेत त्या. आजारी? हो, म्हणून त्यांचा निरोप आहे. बरं झालं की येतो. तुम्हाला सांगितलंय तब्येतीला जपा, जास्त धावपळ करू नका. राणीसाहेब, मेणा पाठवून धारावना बोलावून घेण्याची तजवीज करा. आम्ही कदाचित मलकापुरात जाऊन येऊ. जी महाराज. क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं. क्या देख रहे हो? हाँ, वतन. वतन? या इतनं वतन दिसल? मुकर्रब के तंबू से सब कुछ दिखाई देता है. वतन तो वतन, मैं देखता हूं सब कुछ. अस्तबल के शोले, घोड्यांचा पागा. घोड्यांचा पागा? यह अच्छा नहीं किया आपने. राजा हो या सिपाही, अगर उसके घोड़े को कुछ हो जाता है ना, तो उसके दिल को गहरी चोट लगती है. बहुत नुकसान किया आपने. मी काय भी केलेलं नाही. ओ, मी कशाला त्या घोड्याच्या पागा जाळीन? आपका नाम सबसे आगे है. आपके बगावत की खबरें चारों तरफ फैल चुकी है. संभा, संभाजी आपका क्या हाल कर सकता है, ये सोच के कोई भी डर से थर्रा जाएगा. आप भी तो डर रहे हो. आप तो उनके रिश्तेदार हैं. आपने उनकी बाहें थामने की बजाय बाहें काट दी है. आपने अपने हाथों से लौटने के चारों दरवाजे बंद कर दिए, ऊपर से ताला भी लगा दिया. क्या मतलब? सीधी सी बात है, कलश जो संभाजी को अपने जान से भी ज्यादा अजीज है, आपने उससे भी झगड़ा मोल लिया. कलश याला कौन भीते? भयावल आगे डरना होगा. गणोजी शिर्के कधी कुणाला घाबरला नाही, इतनं मोरे भी घाबरणार नाही. लेकिन संभाजी राजे तो आपसे ज्यादा कलश को चाहते. सुना है गहरी दोस्ती भी है उनकी, और आपने तो स्वराज, कलश और उनके घोड़ों को नुकसान पहुंचाया. अब तो संभाजी के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे. काय कर दिल? कत्ल. कत्ल? हाँ,
खबरें तो ऐसी है, पूछो कानो जी से। मी डरना नहीं, लड़ना रहा है। तुम लड़ोगे, जरूर लड़ोगे, लेकिन साथ हमारा होगा, इस मुकर्रब का। नहीं, मी एकटा लड़न। इतना आसान नहीं है गणो जी, उसके सामने खुद औरंगजेब ने हार मानी है, लाखों की फौज होते हुए भी। खान, मी अब आपकी हिफाजत हमारे हाथों में है, जहां पनाह से पनाह लेने में ही है, सोच लो। निरोपंत श्रृंगारपुरात आणि वर मलकापुरात काय घडतं याची इत्यंभूत माहिती मिळायला हवी। जी महाराज। छंदोगामात कवी कलश कुठे आहेत? मलकापूरची आपली घोड्यांची पागा जाळली गेली, त्यात किती नुकसान झालं ते समजायला हवं। निळोपंत खबरा कशा हरणाच्या वेगानं दौडत यायला पाहिजे। महाराज खबर आली। काय खबर? महाराज खबर औदेसच्या पायाने रायगडावर आली। आपले बहिरजी काका नाईक सोडून गेले। बहिरजी काका आपल्याला सोडून गेले। पण असे कसे गेले? आजारी होते। का हूल दिली नाही त्यांनी त्या आजारपणाला? का तुंगारा दिला नाही यमदूतांना? कशी फसकत झाली त्यांची? बहिरजी काका तुम्ही हवे होता तो आमच्यासाठी, या स्वराज्यासाठी। कसे सोडून गेला आम्हाला तुम्ही या वैराच्या रात्री? औरंगजेबाचं परचक्र घोंगावत असताना का मृत्यूचं बोट धरावंसं वाटलं तुम्हाला? तुम्हाला यांच्या अंबीर मामांची सोबत करायची होती। त्यांनी मनी नसताना अंबीर मामा आम्हाला पोरक करून गेले, असून त्या सुटकातच होतो आम्ही। आणि आता तुम्ही कुणाच्या पळावर झुंजावा होता? कसं सावरावा आम्ही? चेतन 2 वर्षाचे होतो आम्ही, आणि आमची जन्मदात्री आई आम्हाला सोडून गेली, आमचे ओठ कोरडे ठेवून। बालपणच हरवून गेलं आमचं। 16-17 वर्षाचे होतो तेव्हा आम्हाला हव्या असताना आमच्या आऊसाहेब अचानक निघून गेल्या। पुन्हा पोरके पण आलं, त्याचं लुगडं पांघरल्याशिवाय कधी झोपलो नाही आम्ही। लुगड्याचा भाव मंगलवास कायमचा निघून गेला। 22-23 वर्षाचे झालो आणि साहेब गेले। जेव्हा जेव्हा आम्हाला आमच्या मायेच्या माणसांची गरज होती तेव्हा तेव्हा आमच्या मायेच्या माणसांना नियती घेऊन गेली, नाहीतर आमचे आबासाहेब काय जाणारे होते? 50 हे काय वय आहे जायचं? पुन्हा पोरकेपणा आमच्या नशिबी। आबासाहेब गेले आणि ज्यांच्या पोटात दडी मारून निर्धास्त झोपावं, ते आमच्या पुतळा मातोश्री गेल्या। पुन्हा पोरकेपणा, आणि या पोरकेपणात राजकारणाचा भोवरा आला आमच्या वाट्याला।
त्यातून आम्ही सही सलामत सुटलो तर तोपर्यंत औरंगजेब येऊन उभा ठाकला. तो आमच्या हंबीर मामांना घेऊन गेला. जणू कोणीतरी आमचं काळीच काढून कृष्णेच्या काठावर भिरकावून दिलं. कसं सावरायचं, कसं लढायचं, कसं झुंजायचं, कसं कारस्थानाला निस्तरायचं. तरी आम्ही धावत होतो न दमता न थांबता. आणि आज ही खबर यावी. बहिरजी काका गेले. बहिरजी काका ओ बहिरजींनी कधी जायचं असत का? आम्हाला पोरक केलं. खबर खामोश करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला बहिरजी काका? ओ बहिरजी काका या कुठतरी या लगबगीनं या आणि आम्हाला सांगा. राजा राजा लई नवी खबर आहे. असं केलं बहिरजी काका? आता कोणाच्या जीवावर हा रणसंग्राम खेळावा आम्ही? कोणाच्या? निळोपंत खंडोजी. आज रायगड मुका झाला. खबर खामोश झाली. अबूजान, ये क्या कर रहे हैं आप? गिनती सिर्फ 20 दिन बाकी. देखना अबूजान, गिनती खत्म होने से पहले ही मुकर्रब खान जरूर आएगा. इंतजार है हमें. देखना आप, हमें यकीन है, एतबार है हमें. हाँ शहजादी, एतबार तो हमें भी है, पर कई बार अंधा एतबार एक सोए हुए सांप की तरह होता है, तो कभी भी डस सकता है. आप फिक्र मत कीजिए अबूजान, हमें फतेह जरूर मिलेगी. हाँ फतेह जरूर मिलेगी, फतेह जरूर मिलेगी, फतेह जरूर मिलेगी. कहाँ है फतेह? इतने सालों से हम यही लव सुनते आ रहे हैं, फतेह जरूर मिलेगी, लेकिन कुछ तो हाथ आया नहीं. जिस तरह हमारे होनहार सिपाही सलार मुकर्रब खान ने संभा को मारने का बीड़ा उठाया है और जिस उम्मीद से वो चाले चल रहा है, उसकी कोशिशें देखकर तो लगता है कि वो जरूर कामयाब होगा. इंशाल्लाह. हम जानते हैं कि मुकर्रब खान पूरी कोशिशें कर रहा है, मगर मान लो उसकी कोशिशें कामयाबी में तब्दील नहीं हुई तो एक हारा हुआ बादशाह अपना चैन खो देगा. अबू जान थोड़ा वक्त दो. जमीन में बीज बोया है, फसल आने तक का इंतजार करना होगा. देंगे देंगे वक्त, लेकिन सिर्फ 20 दिनों. लेकिन अबूजान. हाँ, क्योंकि 20 दिन खत्म होने पर अगर फतेह नसीब नहीं हुई तो एक हारा हुआ हताश बादशाह क्या करेगा? वापस दिल्ली अपने वतन लौट जाएगा, अगर खुदा की मर्जी हो तो. अबूजान ऐसा ना कहे. 70 साल की उम्र हो गई है हमारी, एक साल और ऐसे ही बीत गया है, तो संभा की क्या उम्र है? हमारी आधी उम्र का है, बल्कि हमारी आधी उम्र से भी कम, 4 साल कम है उसके. क्या फायदा हुआ हमारे तजुर्बे का? हमारा तजुर्बा, हमारी शान शौकत, हमारी दौलत, हमारी फौज, 1,000 हाथी, 10,000 ऊंट, क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं. अबूजान थोड़ा और सब्र कीजिए. और कितना सब्र शहजादी? आज कितने दिन हुए इस ताज को हमारे सर से उतरे हुए, ये सब्र नहीं तो और क्या है? अबूजान,
ये मेज पर रखा हुआ ताज आपके सिर पर रखने के लिए जल्द ही मुकर्रब खान आएगा और साथ में संभा भी आएगा। जिंदा या मुर्दा इंशाल्लाह।